एज़ यू नो लास्ट टाइम हमने देखा था जो डिवाइन ओरिजिन थियी थी या हिस्टोरिकल थियरी थी या उसके बाद हमने सोशल कंट्रैक्ट थेरी देखी थी तो दोज वैर द थियरीज एज ऑफ स्टेट इज कंसर्न अब जो थीरीज हम देखे जा रहे हैं वो है अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट वो तो थी ऑरिजिन ऑफ द स्टेट अब नेचर ऑफ द स्टेट ये डेमोक्रेटिक है वेलफेयर है ये होता है नेचर और वो ऑरिजन की बात थी वो बाई हस्टोरिकल डेवलपमेंट्स वजूद में आई या कंट्रैक्ट से वजूद में आई या नेचुरली वो वजूद में आई अब जो हमने देखना है वो हमने देखना है नेचर ऑफ़ द स्टेट और इसमें हमने देखना है अगर लिबरल की बात करेंगे या मार्क्स की बात करेंगे या एन आर किजम की बात करेंगे लेकिन अभी यहाँ पर जो है दैट इज़ लिबरल थियोरी ऑफ़ द स्टेट जहाँ तक लिबरल थियोरी ऑफ द स्टेट की बात है लिबरल थियरी ऑफ़ द स्टेट जो है आ, इसकी दो तीन वैराइटीज है दो तीन इसकी मैनिफेस्टेशन है फॉर्म्स है करंटली इसकी न्यू लिबरल चल रही है आ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसकी है इन जनरल दैट इज क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न तो क्लासिकल लिबरल थ्योरी और मॉडर्न लिबरल थ्योरी जब हम क्लासिकल लिबरल थ्योरी की बात करते हैं क्लासिकल लिबरल थ्योरी के बारे में सबको ये मालूम है या सुना भी होगा कि ये नेगेटिव व्यू पॉइंट से देखती है ये नेगेटिव व्यू पॉइंट से देखती है और जहाँ तक मॉडर्न लिबरल थ्योरी की बात है वो एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट से देखती है अभी नेगेटिव व्यू पॉइंट क्या है पॉजिटिव व्यू पॉइंट क्या है जब हम क्लासिकल थ्योरी लिबरल थ्योरी की बात करते हैं इसमें बोला जाता है जो नेचर ऑफ द स्टेट है वो नेगेटिव है दैट मीन्स वो जो होती वो स्टेट होती है वो नेगेटिव स्टेट होती है वो नेगेटिव स्टेट होती है तो अगर वो नेगेटिव स्टेट होती है दैट मीन वहां नेगेटिव लिबरलिज्म है नेगेटिव लिबरलिज्म है ये नेगेटिव लिबरलिज्म क्या होता है दैट आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे कोई नहीं है वो होती है नेगेटिव स्टेट और यही है जो मेन क्रक्स होता है किसी चीज का तो मेन क्रक्स जो है क्लासिक लिबरल थ्योरी का वो यही है इट इज अ नेगेटिव स्टेट इट्स नेगेटिव स्टेट और यहाँ पर लेसिसफेयर uh, स्टेट भी है अगर हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से देखेंगे भी जब इसका नेचर आप पढ़ोगे तो वो लेसिस फेयर स्टेट होती है लेसिस फेयर स्टेट लेसिस फेयर स्टेट होती है वो स्टेट जो इकोनॉमिकली आपको आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करती है बल्कि आप बिल्कुल लिबर्टी फील करते हो एब्सोल्यूट फ्रीडम फील करते हो एज फार एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंसर्न इसके अलावा जो ये नेगेटिव लिबरल थ्योरी होती है नेगेटिव लिबरल थ्योरी में ये भी होता है इसको कहा जाता है स्टेट इज अ नेसेसरी एवल स्टेट जरूरी है नेसेसरी एवल बट फॉर होम

तो जब हम इस थेरी को देखते हैं क्लासिकल थेरी को नेगेटिव नेचर है इसका और इसके जो एक्सपोनेंट्स है एडम स्मिथ जर्मी एस मिल हर्बर्ट स्पेंसर सीनियर पेन नॉक और किशोर एंड स्टेट यहां पर एक पॉइंट है एक्सपोनेंट्स इतने सारे हैं लेकिन थॉमस पेन जो है टी पेन टी पेन इज द पर्सन जिसने बोला है स्टेट इज अ नेसेसरी एवल स्टेट नेसेसरी इवल है ये किसने बोला है ये थॉमस पेन ने बोला है तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक्सपोनेंट्स इसके बहुत सारे हैं एक्सपोनेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन इनमें से एक है जो थॉमस पेन है जिन्होंने बोला है स्टेट इज अ नेसेसरी एवल अब जो नेचर है लिबरल थियोरी में जो क्लासिकल पार्ट का क्लासिकल पोर्शन का दैट इज क्लासिकल थ्योरी इन लिबरल थेोरी इसमें सबसे पहली बात यही आती है स्टेट इज विल बिकॉज ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ द ह्यूमंस एंड इगोएस्टिक नेचर ऑफ द ह्यूमंस वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट फुलफिल कराना चाहते हैं वो स्टेट को केयर नहीं करते हैं स्टेट उनके लिए बनी है बिकॉज दे आर सो पावरफुल टू कंट्रोल इट टू कंट्रोल इट इज इसट्यूशन टू कंट्रोल द पुलिस टू कंट्रोल द अदर पब्लिक डिपार्टमेंट्स दैट इज वाई स्टेट इज अ विल बिकॉज they are using them persons in power are using the state institutes for fulfilling their selfish motives the state is a necessary because of the selfishness of the powerful persons because of the egoistic nature of the man तो स्टेट को बोला गया है नेगेटिव लिबरलिज्म यहाँ पर क्लासिकल लिबरलिज्म को तो स्टेट प्लेज नेगेटिव रोल स्टेट को नेगेटिव रोल है यहां पर क्योंकि यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप पे नहीं है आप कुछ भी करो जो मर्जी कर सकते हो कोई आपको सजा देने वाला नहीं है किसी का हक भी प्रॉपर्टी छीनो चोरी करो डाकजनी करो एबसेंस ऑफ रेस्ट्रॉइट है दैट इज एबसेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन कोई भी अथॉरिटी आपको सजा देने के लिए नहीं होती है यहां पे इसके बाद जो इसका तीसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है जहां तक इकोनॉमिक बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे स्टेट एडवोकेट पॉलिस

तो वो वेलफेयर स्टेट होती हर एक को जस्टिस दे देती इक्वलिटी मेंटेन करती लेकिन जब वो मिनिम ये सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट है ही नहीं वो एक मिनिमम स्टेट परफॉर्म करती है कुछ ही फंक्शंस वो परफॉर्म करती है लिहाजा हम उसको कह सकते हैं ये एक मिनिमल स्टेट है मिनिमल स्टेट आगे आपने पढ़नी है वर्सेस डेमोक्रेटिक स्टेट तो मिनिमल स्टेट वो होती है जो बहुत कम काम करती है ख़ासकर प्रोटेक्शन जो क्लासिकल थे इट परफॉर्मिम फंक्शन तो हम इस नजरिए से देख सकते हैं हम इसको कह सकते हैं इट इज अमल तो जैसे इसमें बता दिया एबसेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन भी है और ये लेसिसफेयर स्टेट है और आपके प्रॉपर्टी राइट्स को एनकरेज करती है तो हम इसको कह सकते हैं पॉइंट नंबर सिक्स में इट्स बेस्ड ऑन फ्री मार्केट सोसाइटी इज बेस्ड ऑन फ्री मार्केट सोसाइटी तो अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है यहां पर सर्वाइवल या मैक्सिमम मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द नंबर इज आल्सो मैक्सिम हियर लेकिन ये कैसे मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ये उन्हीं को है जिन जो पावरफुल मतलब जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सरवाइवल वही रह सकते हैं जैसे माइट इज राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसको जितना चल सकता है वो यहां पर अपनी आजादी को एंजॉय कर सकता है और दूसरे का हक भी छीन सकता है हाँ ये नेचुरल राइट में बिलीव करती है लेकिन मोस्टली ये किस में बिलीव करती है मैक्सिमम लिबर्टी में मैक्सिमम लिबर्टी में और यहां पर एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट करता है जैसे मैंने बता दिया यहां पर जो स्टेट है इट्स अ नेसेसरी विल बिकॉज ऑफ द सेल्फिशनेस एंड इगोस्टिक नेचर ऑफ द मैन जो सेल्फिशनेस और इगोस्टिक नेचर ऑफ मैन है ये किन लोगों का है ये अमीर लोगों का है जिनको हम कैपिटलिस्ट क्लास में शुमार करते हैं तो वहां पर यहां पर क्लास के लिबरल थियरी में उनके राइट्स एनकरेज होते हैं और दूसरे क्लास के राइट्स एक्सप्लॉइट होते हैं और वो होती है वर्किंग क्लास वो होता है

थेरी की सूरत में मॉडर्न लिबरल थेरी की सूरत में मॉडर्न लिबरल थेरी की सूरत में <laughs> तो मॉडर्न लिबरल थ्योरी की सूरत में इसका रिएक्शन आ गया और एक एक्सपोनेंट है जिसने दोनों व्यूज को सपोर्ट किया क्लासिकल थ्योरी को भी और मॉडर्न लिबरल को मिल अब जो एक्सपोनेंट्स है मॉडर्न लिबरल है ग्रीन लास्की मकलवर कइनस गैलब्राइथ एक्सेट्रा ये सारे आते हैं मॉडर्न लिबरल एक्सपोनेंट्स अब वहां पर जब हम क्लासिकल लिबरल थे स्टेट वहां पर होती थी नेसेसरी इवल लेकिन यहां पर क्या है मॉडर्न लिबरल में स्टेट इज ए नेसेसरी इंस्टीट्यूशन स्टेट जरूरी है क्योंकि स्टेट जब होगी तो अथॉरिटी होगी अथॉरिटी होगी तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगी प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट प्रमोट करेगी तो स्टेट इज ए इंस्टीट्यूशन और वहां पर था स्टेट वॉज अ नेवम तो वहां पर वेलफेयर स्टेट नहीं थी मिनिमल स्टेट थी जो बहुत कम फंक्शन करती थी लेकिन यहां यहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहती है तो इट अ वेलफेयर स्टेट इट इज अ वेलफेयर स्टेट जब ये वेलफेयर स्टेट होती है तो वेलफेयर स्टेट को सर्विस स्टेट भी कहा जाता है जो लोगों के लिए फलाह बहबूद के काम करे तो इट प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड कॉमन वेलफेयर तो इन्हीं तीन पॉइंट से आपको समझ आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल लिबरल एंड मॉडर्न लिबरल थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट तो जहां तक मॉडर्न लिबरल थेरी की मॉडर्न लिबरल थेरी ऑफ स्टेट की बात है जो वेलफेयर स्टेट है नेसेसरी भी है स्टेट कॉमन वेलफेयर के लिए काम करती है सोशल सर्विसेज प्रमोट करती है तो ये लॉ एड आर्डर मेनटेन करती है यूनिटी और इंटेग्रिटी की भी ये ख्याल करती है तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हर एक शहरी के लिए मेंटेन करती है और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है पीपल आर एन्जॉइंग यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज तो यहाँ राइट टू वोट भी सा हर किसी को है लेकिन यहाँ पर हर कोई किसी का मतलब हक नहीं छीन सकता कोई भी यहाँ किसी और का हक नहीं छीन सकता बिकॉज स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है इफ़ यू विल ब्रेक इफ यू विल मेक ब्रैच ऑफ द लॉ यू विल बी पनिश्ड यू विल बी पनिश्ड तो बहुत सारे राइट्स होते हैं यहाँ पर लोगों को इसके अलावा यहाँ पर जो कानून को तोड़ेंगे उनके लिए सजाएं भी होती है तो बिना डिस्क्रिमिनेशन के ये एम करती है कॉमन इंटरेस्ट पर कलेक्टिव डेवलपमेंट पर तो जहां तक मॉडर्न लिबरल थ्योरी की बात है जब हम इस नेचर uh, को देखते हैं नेचर ऑफ स्टेट एज फर मॉडर्न लिबरल कंसर्न दैट इज टोटली अपोजिट टू व्हाट व्हाट वी वी हर्ड और इन क्लासिकल लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट तो जब हम कहते हैं ये वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर स्टेट में वो आपको बखूबी मालूम है अमीरों से टैक्स लिया जाता है उससे हॉस्पिटल स्कूल्स बाकी चीजें बन जाती है जहाँ अमीर के साथ साथ गरीबों का भी इलाज होता है तो ये पॉसिबल ऑनली है जब एक वेलफेयर स्टेट होती है तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं जो ब्राइटेस्ट स्टेट है ब्राइटेस्ट व्यू है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की वो है मॉडर्न लिबरल थ्योरी क्योंकि वो पॉजिटिव लिबरलिज्म है वो जो क्लासिकल थ्योरी थी दैट वाज डिपिक्टिंग नेगेटिव लिबरलिज्म सो मॉडर्न लिबरल थ्योरी वाज डिपिक्टिंग पॉजिटिव लिबरलिज्म उसके बाद एक और व्यू आती है वो है कार्ल मार्क्स यानी मार्क्सिस्ट व्यू मार्क्शन व्यू जिसे कहते हैं वो बिल्कुल कैपिटलिस्ट सिस्टम के अपोजिट था कैपिटलिस्ट सिस्टम वही सिस्टम है जिसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है जो अमीर क्लास होता है वो लोअर क्लास के या गरीब क्लास के या वर्किंग क्लास के राइट्स को एक्सप्लाइड करते हैं करते अपने फायदे के लिए उनकी जान भी चली जाए लेकिन कोई केयर नहीं उनका उनके इकोनॉमिक हकूक का कोई ये ख्याल नहीं रखते हैं तो वही था कैपिटलिज्म में तो उसी कैपिटलिज्म के खिलाफ है कार्ल मार्क्स ने उसी बेस पे अपनी ऑफ स्टेट दी है तो एज़ फर एज़ खाल मार्क्स इज कंसर्न इसने बता दिया जहां तक तो कैपिटलिज्म की बात है जो अभी हमने देखा क्लास के लिबरलिज्म में जो हो रहा था कैपिटलिज्म ही वहां हो रहा था एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सप्लाइड कर रहा था कोई लाइन ऑर्डर अथॉरिटी मेंटेन करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी कल्परेट्स को सजा देने की कोई अथॉरिटी नहीं थी तो उसी व्यू को आगे ले जाते हुए मार्क्स ने बोला जो वो स्टेट होती है जहाँ ये कैपिटलिज्म चलता है तो कैपिटलिस्ट जो है बिजनेस टाइकून जो होते हैं ये स्टेट को कंट्रोल करते हैं बिकॉज दीज वेरी बिजनेस टाइकून दीज वेरी कैपिटलिस्ट आर यूजिंग द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एक्सपोलाइटेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एक्सपोलाइटेशन तो कैपिटलिस्ट जो है ये स्टेट को यूज करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सपोलाइटेशन बाई दी वर्किंग क्लास बाई एक्सप्लाइटिंग द पुअरेस्ट क्लास बाई एक्सप्लाइटिंग दई एक्सप्लाइटिंग दी पुअर पीपल स्टेट हैज बिकम बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट इन हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास इन हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास और जहां तक आलमार्क्स की बात है उसने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है या उसकी लास्ट कैपिटल है तो उसने बहुत सारे स्टेजेस दिए हैं अपने जो फिलासफी उसने दी है चाहे वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म है सरप्लस थेरी है डेमोक्रेसी पर उसने व्यू दी है स्टेट के अगेंस्ट उन्होंने व्यू दी है डिकेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरशिप ऑफ वर्कर्स क्लासलेस सोसाइटी क्लासलेस स्टेट एंड क्लासलेस सोसाइटी की उसने बात की थी रेवोल्यूशन की उसने बात की थी तो वो सारा आता है मार्क्स की फिलासफी में लेकिन जहां तक बात है जब हम उसकी फिलॉसफी को देखते हैं वहां दो चीजें आप देखेंगे जो अमीर होते हैं उनके लिए टर्म यूज हुई है रिच हेव और बुरजॉय रिच हेव्स एंड बर्जाइजी या कैपिटलिस्ट्स या कैपिटलिस्ट्स और गरीब के लिए जो लोअर क्लासेस थे उनके लिए पोअर कैपिटलिस्ट के अपोजिट में वर्कर्स और बर्जॉयजी के अपोजिट में प्रोलिटेरियन प्रोलिटेरियन या प्रोलिटर तो यह टर्मिनोलॉजी है मार्क्स की और वहां बड़ी गैप रहती थी जब स्टेट को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लाइटेशन ये अमीर लोग असर रसूख वाले लोग लोअर क्लासेस पे यूज़ करते थे स्टेट को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लाइटेशन तो वहां बड़ी गैप हो जाती थी इंक्रीज हो जाती थी गैप बिटवीन द टू क्लासेस तो जहां तक मार्क्स की नेचर ऑफ स्टेट की बात है तो मार्क्स ने सबसे पहले बता दिया जो स्टेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी उसमें कोई अपर क्लास लोअर क्लास नहीं होना चाहिए ये कैसे पॉसिबल है जब उसकी हम फिलासफी पढ़ते हैं उसमें रिवोलूशन हो जाता है और रिवोल्यूशन में जो वर्कर्स होते हैं वो ओवर थ्रो करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास को जब ओवर थ्रो हो जाता है कैपिटलिस्ट क्लास तब जाके ना वहां कोई अपर क्लास ना लोअर क्लास रहता है तो उसी को कार्ल मार्क्स बोलता है स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी इसके अलावा वो रिवोल्यूशन पे बिलीव करता है लेकिन ये कौन सा रिवोल्यूशन है ये वही कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन है जब रिवोल्यूशन होता है ये रिवोल्यूशन क्या होता है ंग दैपटलिस्टम ओवर थ्रो इंग दरजवाइजी क्लास वो होती है डिक्टेटरशिप ऑफ दिटराइट तब यानी डिकटेटर वर्कर्स तब एस्टैब्लिश होगी जब आप ओवर थ्रो करोगे रूलिंग क्लास को कैपिटलिस्ट क्लास को रिच क्लास को ये पॉसिबल तभी है जब आप रिवोल्यूशन बर्पा करोगे तो जैसे मैंने बता दिया जब ये रिवोल्यूशन हो जाता है डिक्टेटरशिप वर्कर्स आ जाती है तो एक क्लास खत्म हो जाता है एक ही क्लास रहता है तो ना वहां का अपर क्लास होता है ना कोई लोअर क्लास होता है बल्कि सारे मिडिल क्लास होते हैं तो बर्जोयजी क्लास खत्म हो जाता है इस रिवोल्यूशन से जैसे मैंने बता दिया उसने अमीरों के लिए अपर क्लास के लिए रिच हेवस बर्जोजी और कैपिटलिस्ट टर्म दी है तो ये जो अपर क्लास है यानी बर्जुआजी क्लास ये खत्म हो जाता है उस रिवोल्यूशन से और इस तरह से जब यहाँ डिक्टेटरशिप वर्कर्स की एस्टैब्लिश हो जाती है तो स्टेट जो होती है वो खत्म हो जाती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 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 द द द द डिक्टेटरशिप लेड टू अवे स्टेट स्टेट वहां खत्म हो जाती है तो वहां क्लासलेस सोसाइटी या क्लासलेस स्टेट रह जाती है और जहां तक कार्ल मार्क्स की बात है वो इस फेवर में नहीं था कि सिटीजन को मैं क्या दूँ पॉलिटिकल राइट्स क्योंकि जब उसकी फिलॉसफी पढ़ते हैं तो वहां पर ज़्यादा ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ करती थी वो तो हुआ करती थी इकनॉमिक राइट्स की फॉर एग्जांपल सवेरे काम पे जाओ लेट काम से वापस आओ रेस्ट टाइम कम हो ड्रेस फट जाए नहीं मिले नहीं मिलेगी बीमार हो जाओ तब भी काम पे जाना पड़ेगा रेस्ट टाइम लंच का टाइम जो है इबादत का टाइम है वो नहीं मिलेगा तो वो सारे इकनॉमिक हकूक जो है वो स्नैच हो रहे थे तो इसीलिए इसने यहाँ पर पोलिटिकल राइट्स की बात नहीं की थी उसने ज्यादा इकनॉमिक राइट्स के बारे में बात की थी इसने ये भी बता दिया जो कैप मार्क्सट स्टेट होगी वो होगी वो स्टेट जिसमें एक ही पार्टी का रूल होगा एंड डैट विल बी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द स्टेट सो रूल ऑफ ऑनली वन पार्टी दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द स्टेट कोई प्रेस जो होगा मीडिया जो होगा इसको कोई इंडिपेंडेंस नहीं होगा बल्कि स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया होगा बाई द स्टेट इसके अलावा पीस प्रोग्रेस जस्टिस के बारे में उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है लेकिन इसने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब को सपोर्ट नहीं किया दैट चाहे वो पेस्ट हो कास्ट पर रिलीजन पो कलर पे लैंग्वेज पे या रीजन पे उसको उन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया दीजिए सोशलिस्ट स्टेट है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी रूल करेगी ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड को हेल्प करेगी जो वर्ल्ड में चल रहा होगा प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ द पीपल टू तो वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड उसके लिए सोशलिस्ट स्टेट जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी होगी रूल करेगी वो इन तमाम मूवमेंट्स को सपोर्ट करेगी वो इन तमाम मूवमेंट्स को सपोर्ट करेगी सो दैट टू एस्टैब्लिश द कम्युनिस्ट पार्टीज रूल इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड जैसे ये रशिया से फैल गया ये वियतनाम चला गया वियतनाम से ये चाइना कोरिया इसके साथ साथ अगर अमेरिकन कंटिनेंट्स में देखेंगे ये क्यूबा भी चली गई ये क्यूबा भी चली गई तो कुछ ये है जिनको हम कहते हैं कम्युनिस्ट स्टेट्स थ्रो आउ द वर्ल्ड वो अभी भी है वो अभी भी है तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इसी मार्क्स पे है अगर हम देखेंगे चाइना और रशिया की अगर बात करेंगे रिसेंट पास तक वहां पर अभी भी है जो है वो है सिंगल पॉलिटिकल पार्टी वहां दूसरी पार्टी को उठने का कोई राइट नहीं है हक नहीं है क्योंकि वो बिलीव करते हैं वन पार्टी सिस्टम में और वो है कम्युनिस्ट पार्टी वो होती है कम्युनिस्ट पार्टी तो दिस वाज द फिलासफी ऑफ कार्ल मार्क्स एज फार एज द नेचर ऑफ द स्टेट इज कंसर्न उसके बाद एक और फिलासफी या आइडियोलॉजी हमने देखनी है और उस आइडियोलॉजी का क्या ताल्लुक है स्टेट के साथ वो हमने देखना है एंड एज फार एज दिस आइडियोलॉजी इज कंसर्न दैट इज समथिंग डिफरेंट दैट इज नोन एज एनार्की और एनार्किज्म एनार्की होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं होती है लॉ लेसनेस होती है तो अनारकीम क्या होता है वो थाट होता है जिसमें जो सोसाइटी होती है ये कोयरसिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट के तहत नहीं रहेगी एनार्किजम में आप किसी की जो सदारत है किसी की हाकमियत है वो कबूल नहीं करते हो आप कोई भी कोयरसिव अथॉरिटी को नहीं मानते हो तो ये वो थाट है जिसमें आप तमाम अथॉरिटीज को रिजेक्ट करते हो एक फेमस फिलोसफर है विलियम गोडविन ही इज़ वन ऑफ द फिलासफर ऑफ द एनआरकिस्ट आइडियोलॉजी उसने सबसे पहले इस बात इस पर बात की थी जो ये एन होती है स्टेटलेस सोसाइटी में ये कैसे पॉसिबल है तो उसने डिफेंड किया था अनारज्म को अपनी बुक में उसने बहुत सारी बुक्स दी है और उसकी एक बुक है एनक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एनक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस उसमें उन्होंने डिफेंड किया था विलियम गुडविन ने एनक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में उसने डिफेंड किया था अन को इसके अलावा और भी अनार्कस्ट आ गए जिनमें प्रदान है प्रदान के साथ साथ उनमें क्रपोटकिन है जॉर्ज सोरेल है मिखाइल बकूनिन है लियो टॉलोस्टॉय है एफ ए हयाक है रॉबर्ट नॉजिक है वो सारे के सारे जो है वो अनार्किस्ट फ्लासफर्स है वो सारे के सारे अनार्कस्ट फ्लासफोर्स है तो जहाँ तक एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे अनार्किज्म के अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे सबसे एम मेन एम जो इनका रहता है एबॉलशन ऑफ द स्टेट एबॉलशन ऑफ द स्टेट इनका कॉमन एम रहता है स्टेट खत्म होनी चाहिए इसकी अथॉरिटी खत्म होनी चाहिए फिर कौन सा वहां रूल करेगा ये रिकॉग्नाइज करते हैं और इंपॉर्टेंस देते हैं रैशनल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी ये कहते हैं ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स आएगा लोगों में से हम चूज करेंगे एक्सपर्ट्स को और जिनका मतलब इनर कॉन्शियसनेस भी अच्छी होगी इनर कॉन्शियस कॉन्शियस जिनका अच्छा होगा और जिनका मॉरल कैरेक्टर अच्छा होगा हम उनको अथॉरिटी देते हैं वो कलेक्टिव डिसीजन करेंगे डेमोक्रेटिक वे इन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकली डिसीजन मेकिंग करनी है लेकिन कौन करेंगे कोई अथॉरिटी नहीं होगी बल्कि लोग होंगे एक्सपर्ट्स होंगे जिनको लोग खुद अपने आप में से चुनेंगे और जिनकी मॉरल अथॉरिटी भी अच्छी होगी जिनका मॉरल कैरेक्टर भी अच्छा होगा तो उनको हम चुनेंगे वो हमारे लिए डिसीजन लेंगे बाकी जो कोयर अथॉरिटी होगी उसको हम रिजेक्ट करते हैं इसके अलावा जो हैरार की होगी टॉप से बॉटम तक फ्लो होने वाली अथॉरिटी को भी हम रिजेक्ट करते हैं चाहे वो चर्चे की अथॉरिटी हो या आर्मी की अथॉरिटी हो या बिजनेस टाइकून की अथॉरिटी हो या ब्यूरोटिक ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी हो उन सबको ये अनार्किस्ट जो है ये बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं तो कभी कभार ये जो अनार्किस्ट होते हैं अनार्किस्ट को कभी कभार कहा जाता है ियन इनको कभी कबार लिबर्टेरियन कहा जाता है तो जहां तक अनार्किस्ट की बात है इनमें अगर गुड़विन की बात करेंगे गुड़विन ने जैसे कुछ अनार्किस्ट है तो इनकी व्यू क्या है एनार्किस्ट की व्यू क्या है जैसे अगर हम गुडविन की बात करेंगे गुडविन ने बोला है एनारकी के बारे में अनार्किस्ट जो होते हैं ये एक्सट्रीम लिबर्टेरियन होते हैं तो जो गुडविन होता है उन्होंने प्रेज किया लिबर्टी को जो आज़ादी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूबल थिंग होती है एक इंसान को लेकिन जहां तक प्रदान की बात है प्रदान ने बोला है लिबर्टी के बारे में बैनर एंड गाइड एनार्किस्ट है ये तो ये अथॉरिटी को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं जब ये अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं तो ये किस चीज में बिलीव करते हैं ये बिलीव करते हैं लिबर्टी में ये बिलीव करते हैं लिबर्टी में और डिसीजन मेकिंग के लिए ये खुद लोग जो हैं लोग अपने आप में से चुनेंगे डेमोक्रेटिक वे से जिनका मॉरल कैरेक्टर अच्छा हो जिनकी कॉन्शियस इनर कॉन्शियस अच्छे हों उनको चुनेंगे कोई हेरार्कि हेरार्किकल अथॉरिटी नहीं होगी कोई कोई अथॉरिटी वहां पर नहीं होगी तो बिल्कुल ये लिबर्टी में बिलीव करते हैं और बाकी अथॉरिटीज को रिजेक्ट करते हैं तो इसीलिए दीज आर नोन एज एक्सट्रीम लिबर्टेरियन और इनमें से जो गुडविन है वन ऑफ दी अनार्किस्ट उन्होंने लिबर्टी को बोला है सबसे कीमती चीज़ इंसानी पोजेशन में अगर कोई है तो वो लिबर्टी है अकॉर्डिंग टू गुरविंद प्रधान ने बोला है ये जो लिबर्टी होती है इट इज अ बैनर एंड गाइड ये हमारा निशान है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा निशान और राह रास्त है हमें रास्ता दिखाने वाला बैनर एंड गाइड बकूनिन यहाँ बकामिन हुआ है ये बकूनिन है बकोनिन ने बोला है जो लिबर्टी है डर इज एबसलूट सोर्स एंड कंडीशन ऑफ ऑल गुड पूरा जो सोर्स हमारे पास है वो लिबर्टी होगी और उसी की वजह से हमारा ऑल गुड पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू बकोनियन अकॉर्डिंग टू मिखाइल उसके बाद आता है करता है करता परफेक्ट फ्रीडम ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो एक आम इंसान को इंडिविजुअल लेवल पर बिल्कुल एब्सोल्यूट और परफेक्ट फ्रीडम देगा वो होती है व्यू क्रपोटकिन की जहां तक लिबर्टी की बात है तो लिबर्टी को ये अनार्किस्ट जो है लव करते हैं बिलीव करते हैं इस चीज में बाकी अथॉरिटीज को रिजेक्ट है करते हैं तो गुडविन ने लिबर्टी के बोला में है लिबर्टी के बारे में बोला है मोस्ट वैल्यबल ह्यूमन पजेशन प्रदा ने बोला है बैनर एंड गाइड बाकुन ने बोला है सोर्स एंड कंडीशन ऑफ ऑल गुड क्रपोर्ट किन ने बोला है इंडिविजुअल मैन को कंप्लीट फ्रीडम लिबर्टी है उसके बाद कुछ स्कूल्स है एनआरकिस्ट हम पढ़ रहे हैं ना नेचर ऑफ स्टेट तो एनआरकिस्ट स्कूल्स आए हैं बहुत सारे जिनमें फिलोसफिकल एनआरकिज्म है सोशलिस्ट एनआरकिज्म है रिवोलूशनरी सिंडिकलिज्म पेसिफिक एंड लिबर्टेरियन लिबरटेज अब ये जो है जो स्कूल्स ऑफ एनार्किज्म है इनमें दो चीज़ों पर ध्यान दो एक है रिवोल्यूशनरी एक है पेसिफिक पेसिफिक कहते हैं हमने रिवोल्यूशन बर्पा करना है फॉर एग्जाम्पल पेसिफिक बोलते बोलते हैं हमने रिवोल्यूशन बर्पा करना है हमने स्टेट को ओवरथ्रो करना है हमने अपनी अथॉरिटी लानी है लोगों में से चुनी हुई चुनी होने जिसको हम लोगों में से चुनेंगे उस अथॉरिटी को हम लाएंगे तो स्टेट को हम ओवर थ्रो करेंगे लेकिन कैसे बाई फोर्स नहीं बट बाई पीसफुल मीनस बाई पीसफुल मीन बाई पीसफुल मीन जब हम स्टेट को ओवर थ्रो करेंगे दैट इज और इसका जो मेन एक्सपोनेंट है वो है लियो टॉलस्ट्राई वो है लियो टॉलस्ट्राए जिसका आपने इंग्लिश में भी सुना होगा और जो गांधी के साथ भी इन टच था तो पेसिफिक होती है जिसमें आप पीसफुली स्टेट को ओवर थ्रो करते हो स्पेसिफिक वे से स्टेट को ओवरथ्रो करते हो और लियोटॉलिस्ट है इसका मेन एक्सपोनेंट है इसके मुकाबले में है रिवोल्यूशनरी एनारक रिवोल्यूशनरी एनारक वो होती है जिसमें आप अपनी गोल को अचीव करते हो रिवोल्यूशनरी मेथड से जिसमें आप स्टेट को ओवरथ्रो करते हो रिवोल्यूशनरी मेथड से जिसमें आप पॉपुलर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हो पॉपुलर ऑपराइजिंग्स को सपोर्ट करते हो इन सरेक्शन को सपोर्ट करते हो तो रिवोल्यूशनरी जो एनारक है इसका जो एक्सपोनेंट है वो है मिखाइल बकुनिन मिखाइल बकुनिन और पेसिफिक अथॉरिटी के लिए जो है वो था लियो टॉलस्टाई लियो टॉलस्टाई पेसिफिक एनार्किज्म और रिवोल्यूशनरी एनार्किज्म के लिए मिखाइल बकुनिन उसके बाद और दो आप देखेंगे जब हम बात करते हैं फिलासफिकल एंड सोशलिस्ट एनार्किज्म की एन फिलासफिकल एंड सोशलिस्ट एनार्किज्म की तो फिलोसफिकल एनार्किज्म वो होती है जो फोकस करती है इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने जजमेंट्स पे आप अमल करेंगे के कहने पर नहीं करोगे बल्कि अपने ओन जजमेंट पे आप एक्ट करोगे वो आता है फिलासफिकल एनार्किज्म में तो जब आप अपने जजमेंट पे इंडिविजुअल जजमेंट पे एक्ट करते हो तब इसको बोला जाता है इस फिलोसफिकल एनार्किज्म को दूसरा नाम दिया जाता है जब आप इंडिविजुअल जजमेंट्स पर एक्ट करते हो अपने लिए तो इसीलिए इसको जो फिलासफिकल एनार्किज्म है इसको बोला जाता है इंडिविजुअल इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्मीजल तो इंडिविजुअल भी एनार्किज्मिकल एनार्किज्म का नाम है क्योंकि आप इसमें अपनी डिसीजन अपने लिए खुद करते हो सो दैट टू सेव गार्ड यूर इंडिविजुअल फ्रीडम सेव गार्ड यूर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जहां तक फिलासफिकल एनार्किज्म की बात है जो मेन एक्सपोनेंट है इसका वो है गुडविन जिसने वो बुक लिखी थी इंक्वायरी कंसर्निंग पोलिटिकल जस्टिस तो गुडविन जो है वो एक्सपोनेंट है इंडिविजुअलिस्ट एनारक का या फिलासफिकल एन का उसके बाद एक और एनआरकिज्म है दैट इज सोशलिस्ट एनार्किज्म का मतलब है सोसाइटी या सोशल नीड्स तो इसमें आप इंडिविजुअल uh, फ्रीडम को सपोर्ट करते हो लेकिन उसको आगे डिफाइन करते हो व्हेन यू विल बी हैविंग द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई योर नीड्स जब आपको ये कैपेसिटी होगी कि आप अपनी सोशल और इकोनॉमिक नीड्स सोसाइटी में खुद से फुलफिल करोगे तो आप अपनी नीड्स कब फुलफिल कर सकते हो जब आप सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी मेंटेन कर सकते हो एक फैमिली में जब आप जस्टिस कर सकते हो सोशल इकोनॉमिक इक्वेलिटी या सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन कर सकते हो तब जाके वहां पर मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ ऑल होगा तो वहीं से सेटिस्फाई हो जाएंगी आप सबकी नीड्स तो वेन यू नीड्स आर सेटिसफाइड दैट इज पॉसिबल ऑनली वैन यू आर फुलफिलिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली वैन यू आर फुलफिलिंग द मैक्सिमम फ्रीडम फॉर ऑल वैन यू आर मेंटेनिंग द दोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस वैन यू आर मेंटेनिंग द सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इक्वालिटी तब जाके सोशल सिनार्किज्म पॉसिबल है तब जाके आप अपनी नीड्स सेटिसफाई या फुलफिल कर सकते हो और जहां तक सोशलिस्ट एनार्किज्म की बात है इसका जो मेन एक्सपोनेंट है वो है पीजे प्रधान पीजे प्रावधान इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सोशलिस्ट एनार्किज्म लेकिन सोशलिस्ट एनार्किज्म को फर्दर डेवलपमेंट हुई थी और वो की थी इसको पीटर क्रपोटकिन ने पीटर क्रपोटकिन ने तो प्री पीटर क्रपोटकिन ने सोशलिस्ट एनार्किज्म को जोड़ दिया किसके साथ कम्युनिज्म के साथ तो सोशलिस्ट एनार्किज्म को कम्युनिज्म के साथ जोड़ने वाला है पीटर क्रपोटकिन अदरवाइज पी के प्रधान इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ सोशल एनार्किज्म लेकिन जब हम बोलते हैं कि कम्युनिज्म को जोड़ा गया है या कम्युनिज्म को फेवर किया गया है सोशलिस्ट एनार्किज्म में

जो सोशलिस्ट एनार्किज्म में उसने अपना कम्युनिस्ट विजन दिया है उसको नाम दिया गया है कम्युनिस्ट एनार्किज्म तो सोशलिस्ट एनार्किज्म में ही कम्युनिस्ट एनार्किज्म आता है और कम्युनिस्ट एनार्किज्म के साथ ताल्लुक है पीटर क्रपोटकिन का और सोशलिस्ट एनार्किज्म के साथ ताल्लुक है पीजे प्रधान का कम्युनिज्म का मतलब होता है एवरीथिंग बिलोंग्स टू एवरीबॉडी वट एवर इज एक्जिस्टिंग उसके बाद इसमें दो है एक है हैको सिंडिकलिज्म और एक है लिबर्टेरियन एनारकज्म ियन एनार्किज एनार्को सिंडिकलिज्म जब हम एनारको सिंडिकलिज्म की बात करते हैं इसको माना जाता है एक और फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशनरी एनार्किज्म की अगर कोई और फॉर्म है तो वो है एनार्कोसिंडिकलिज्म और एनार्कोसिंडिकलिज्म का जो मेन एक्सपोनेंट है वो है जॉर्ज सोरेल वो है जॉर्ज सोरेल और इसमें एनआर को सिंडिकलिज्म को क्यों माना गया है ब्रांच ऑफ रिवोलुशनरी सोशलिज्म क्योंकि यहां पर जॉर्ज सोरेल एक्सप्लेन करता है आप इस एडिया पे यहां पर बेस्ड हो मतलब ये जो एनआर को सिंडिकलिज्म है इट इज बेस्ड ऑन दिस वेरी एरिया टू टर्न ट्रेड यूनियन इंटू रिवोलुशनरी ट्रेड यूनियन और बाकी ग्रुप्स को आप चेंज करेंगे इंटू रिवोल्यूशनरी इंस्ट्रोमेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल तो आप ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करते हो उनको आप उनकोब करते हो उनमें स्प्रिट करते हो आप इम्बाइब या इंजेक्ट कौन सा स्प्रिट रिवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट का एज फार एज क्लास स्ट्रगल इज कंसर्न दैट इज वाई जॉर्ज सोरल को सिंडिकलिज्म को नाम दिया गया है अनदर फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशनरी यहां पर आप स्ट्राइक करते हो या आप फाइट करते हो तो यहां पर आप रिवोल्यूशनरी मेथड्स अपनाते हो उसने बहुत सारे फ्रेजेस का यहां सपोर्ट किया क्या कि फ्रेजेस से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो यू कैन यूज मिथ्स

और इसमें जो एक्सपोनेंट है इसके रिलेटेड जो है वो है हर्बर्ट स्पेंसर एफ ए एयाक और रॉबर्ट mm -hmm. हर्बर्ट स्पेंसर एफ़ ए हयाक एंड रॉबर्ट नाजिक स्पेंसर हयाक नाजिक। दीज आर दी एक्सपोनेंट्स ऑफ़ लिबर्टेरियन एनार्किज्म। तो इसमें वो किस बात पे फोकस करते हैं <coughs> वो कहते हैं आपने क्या करना है यहां पर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट सोसाइटी आपने मार्केट सोसाइटी को ऐसे बढ़ाना है ये ऐसी स्टेज रीच करेगी जब वो स्टेज खत्म हो जाएगा उसके बाद जो सोसाइटी है वो सेल्फ रेगुलेटेड बन जाएगी वहां पर खुद अपना काबू रहेगा किसी बाहरी बाहर वाली अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये जो लिबरटेरियन एनार्किज्म है इसमें बिल्कुल आप लेसफियर मेंटेन करते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट बनते हो ऐट द एंड क्योंकि आप इसमें ब्लसिडनेस ऑफ की ये ब्लेसिडनेस ऑफ एनआर की कंसेप्ट क्या है जब आप एक मार्केट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तब वहां पर ब्लेसिडनेस ऑफ एन आर कि कैसे आ जाती है क्योंकि वहां पर अथॉरिटी आपको कंट्रोल नहीं करती है आपका मार्केट बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है लेकिन उस इंडिपेंडेंट मार्केट में आप अपनी सोसाइटी को इस तरह से डेवलप करते हो मार्केट सोसाइटी जिसको नाम दिया गया है क्योंकि वो स्टेज जब आता है जब वो मार्केट सोसाइटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो सोसाइटी भी होती है जो मार्केट से बाहर वाली सोसाइटी भी होती है वो सेल्फ़ रेगुलेटेड बन जाती है वो सेल्फ़ रेगुलेटेड बन जाती है और उस पर किसी भी यूनियन का किसी भी अथॉरिटी या ग्रुप का कंट्रोल नहीं रहता है तो वह एबसोलूट लिबर्टेरियन बन जाते हैं तो ये लिबरटेरियन एनार्किज्म इसको नाम दिया गया है क्योंकि आप किसी के माहहत नहीं रहते हो और जहां तक लिबर्टेरियन एनार्किज्म आ, को नाम दिया गया है इसको ये नाम दिया गया है इट इज अ न्यू वर्जन ऑफ इंडिविजुअलिस्ट 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 मैकेनिज्म इट इज इंडिवीज का लेटेस्ट वर्जन जो है वो है लिबर्टेरियन जिसमें आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हो और यहाँ मार्केट की बात होती है तो इसके तीन एक्सपोनेंट है हर्बर्ट स्पेंसर एफ ए हयाक एंड रॉबर्ट नासिक अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आते हैं दैट इज अबाउट मिनिमल स्टेट एंड मिनिमल स्टेट के साथ साथ वहां पर सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट है सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट एंड मिनिमल स्टेट वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जो कोर कॉन्सेप्ट्स रहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के जिनमें इक्वलिटी लिबर्टी जस्टिस और राइट्स आते हैं वो भी हम देखेंगे